हेलो फ्रेंड्स, मैं इरशाद और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी इन होटल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ साइंस इन होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। पूरे 5 मिनट के वीडियो में हम पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि बीएससी होटल मैनेजमेंट कोर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहना है, जॉब कहाँ पर लगेगा, किस प्रोफाइल में, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो BSc HM है, इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। तो देखिए, बैचलर ऑफ साइंस इन होटल मैनेजमेंट जो इनका फुल फॉर्म है, और ये जो कोर्स है वो 3 इयर्स का प्रोग्राम है। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 इयर्स है, 3 साल का कोर्स है, ठीक है। इसमें जो है एक्चुअली हम ये जानते हैं कि हाउ द होटल्स आर रन, ठीक है। इसमें आपको होटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, स्किल्स टू अटेंड टू द कस्टमर, ये सब आप सीखोगे। और इसमें जो बेसिकली जो है 4 मेजर डिपार्टमेंट है जो होटल का, उस पर फोकस किया जाता है, जैसे कि फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, हाउसकीपिंग एंड किचन ऑपरेशन एंड मेनी मोर। सो अगर हम जॉब की बात करें कि अगर हम 3 साल का बीएससी इन होटल मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, तो हमारा जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप बहुत सारे जॉब प्रोफाइल है, सो हम कुछ प्रोफाइल की बात करते हैं, जैसे कि सेल्स मैनेजर, हाउसकीपिंग मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर, होटल डेवलपमेंट मैनेजर एंड होटल मेंटेनेंस मैनेजर एंड मैनी मोर। सो इस जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर अंडरग्रेजुएट, ये जो कोर्स है आपका HM, ये करने के बाद, ठीक है। इनका जो एलिजिबिलिटी है BSc HM का, वो जो है आप +2 पास्ड होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और 50% एटलीस्ट जो है आपका मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कोर्स लेवल का। ये जो कोर्स है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स लेवल है, और BSc HM का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन होटल मैनेजमेंट, एंड जो ड्यूरेशन है वो 3 इयर्स है। और जो इनका जो एग्ज़ाम होता है, दैट इज़ कि देखो ये सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है, टोटल 6 सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है, जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होगा आपका इसमें। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो +2 पास होना चाहिए। अगर आप मेजर सब्जेक्ट जो है +2 में इंग्लिश है तो वेल एंड गुड है। और एडमिशन प्रोसेस, ठीक है, और फीस की बात करेंगे अभी। तो जो एडमिशन प्रोसेस है, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली भी ले जा सकते हो, काउंसलिंग के थ्रू कर सकते हो, एंट्रेंस के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। तो इनका जो एवरेज पैकेज होता है वो आपका जो 1 लाख रुपीज़ पर ईयर जाता है इनका पैकेज, अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटीज़ से करते हो। जैसे कि गुरु काशी यूनिवर्सिटी है, NAC A++ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, अगर आप यहाँ से करते हो तो आपका टोटल जो है 4 लाख, अंडर 4 लाख में हो जाएगा विद हॉस्टल। इट मीन्स कि हॉस्टल, फूड, कॉलेज का फीस, सारा कुछ इसी 4 लाख में इंक्लूडेड होगा, जो आप गुरु काशी यूनिवर्सिटी से BSc HM 3 साल का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। और अगर हम बात करें जॉब की, ठीक है, आप प्लेसमेंट का, जो प्लेसमेंट है इसमें बेसिकली जो है ताज होटल्स है, द ओबरॉय होटल्स है, हयात रेजिडेंसी है, JW मैरियट है, ठीक है, रेड रेडिशन है, इस सब में आपका जो है जॉब लग जाएगा गुरु काशी यूनिवर्सिटी से अगर आप BSc HM करते हो तो। और स्टार्टिंग जो पैकेज होता है वो थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप जो फ्रेशर होते हैं तो उनको थोड़ा कम सैलरी ऑफर करते हैं। इसमें जो है आपका मतलब 35,000 पर मंथ के हिसाब से आपका सैलरी पैकेज जो पर मंथ है वो हो जाएगा। इट मीन्स कि 3.5 लाख अप्रोक्सीमेट LPA आपका पर एनम रहेगा सैलरी पैकेज स्टार्टिंग में। उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, देन यू कैन स्विच योर जॉब इन अनदर होटल्स, देन यू कैन अर्न मोर मनी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वारीज है BSc HM को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और डायरेक्टली हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो हमारे दिए गए नंबर पे। मेरा नंबर है 6203993046। सबसे पहले आप इस पे व्हाट्सअप मैसेज कर दो, सो डैट कि आपको कॉल बैक भी चला जाएगा और रिप्लाई भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।